19 साल बाद सावन में बनेंगे गजकेसरी समेत कई योग। दो बड़े राजयोग का भी होगा निर्माण। इन छह राशियों के लिए बेहद लकी जमकर बरसेगी विशेष कृपा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान में, जिसमें कि मैं आपको बताती हूँ धार्मिक और ज्योतिष से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग बातें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है 19 साल बाद सावन में बनेंगे गज केसरी समेत कई योग। दो बड़े राजयोग का भी होगा निर्माण। इन छह राशियों के लिए बेहद लकी जमकर बरसेगी विशेष कृपा। 59 दिनों के इस सावन के महीने में शश योग, गज केसरी योग, बुध व शुक्र के सहयोग से लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य व बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सावन माह में एक साथ इतने योग बनना दुर्लभ माना जाता है। इससे कई राशियों को धन, नौकरी, करियर और बिजनेस में लाभ के योग हैं। हिंदू धर्म में सावन महीना का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि यह भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है जो श्रावण कृष्ण पक्ष के पहले दिन से शुरू होता है। कहते हैं कि इस महीने में जो पूरे मन से भगवान शिव की भक्ति और पूजा करता है उसे मन वांछित फल प्राप्त होता है। इस बार 4 जुलाई को मंगला गौरी व्रत के साथ श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। एक साथ बनेंगे कई राजयोग। इस बार सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होने जा रहा है और 31 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। 59 दिनों के इस सावन महीने में शश योग, गज केसरी योग, बुध व शुक्र के सहयोग से लक्ष्मी नारायण योग और सूर्य व बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। सावन माह में एक साथ इतने योग बनना दुर्लभ माना जाता है। इससे कई राशियों को धन, नौकरी, करियर और बिजनेस में लाभ के योग हैं। सावन के महीने में मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि के जातकों पर भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहेगी। 4 एकादशी और 8 सोमवार व्रत। खास बात यह है कि इस महीने में 19 साल बाद 3 अद्भुत संयोग बनेंगे। वहीं 8 सोमवार व्रत और 4 एकादशी पड़ेंगी। वहीं एक साथ कई योग के बनने से यह संयोग 19 साल बाद बन रहा है और 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक सावन अधिक मास या मल मास रहेगा। हर 3 साल पर एक अतिरिक्त मास होता है जिसे अधिक मास या मल मास कहते हैं। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इन राशियों के लिए शुभ होगा सावन का महीना। पहला धनु राशि जातकों के लिए भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना बेहद ही खास होने वाला है। इन दिनों आपको व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। पीला रंग शुभ होता है। पीले रंग के वस्त्र पहनकर भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। आप कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक जरूर कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। दूसरा सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह महीना बहुत शुभ रहने वाला है। नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति का लाभ और नौकरी में सराहना मिल सकती है। व्यापार में निवेश करने के लिए यह समय बहुत उत्तम है। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। नया वाहन खरीदने के भी योग बन रहे हैं। आपके लिए लाल चंदन के जल से शिव जी का अभिषेक करना बहुत फलदायी साबित होगा। तुला राशि फल। जातकों को करियर में सफलता मिलेगी और अटके हुए कार्य पूरे होंगे। नए काम के लिए भी समय अनुकूल है। सावन के साथ आपके अच्छे दिन भी शुरू होंगे। नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति का योग है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मित्र का सहयोग मिलेगा। नौकरी के नए अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और ऐसे में इस राशि वालों को भगवान शिव का अभिषेक, गाय के घी, इत्र या सुगंधित तेल
या मिश्री मिले दूध से करना चाहिए। मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, ऐसे में सावन का महीना मेष राशि के जातकों के लिए काफी शुभ रहने वाला है। जातकों को कई क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी। सावन के महीने में मेष राशि के लोगों को लाल रंग के पुष्पों से भगवान शिव की पूजा अर्चना और कच्चे दूध में शहद मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करने से लाभ होगा। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। मीन राशि वालों पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। अचानक धन लाभ के बेहतरीन मौके हासिल होंगे। किसी बड़ी परियोजना में आपका काम बन सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। कहीं यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। पानी में केसर मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, इससे आपके तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। वृश्चिक राशि, भगवान शिव का खास आशीर्वाद प्राप्त होगा। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। इन दिनों आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कई राशि के जातकों को कच्चे दूध में शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ को गुलाब का फूल और बिल्व पत्र की जड़ भी अर्पित करनी चाहिए, लाभ होगा। तो चलिए मित्रों, आज हमने जाना कि सावन के महीने में गजकेसरी समेत कई बड़े योग बन रहे हैं। इसके अलावा दो बड़े राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और कौन सी छह राशियां हैं जो इस महीने बेहद लकी रहेंगी, जिन पर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी। तो 19 साल बाद सावन में बनेंगे गजकेसरी समेत कई योग, दो बड़े राजयोग का भी होगा निर्माण। इन छह राशियों के लिए बेहद लकी, जमकर बरसेगी विशेष कृपा। ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे इस YouTube चैनल आस्था और ज्योतिष ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा मेरे आस्था और ज्योतिष ज्ञान के दर्शक अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।